कर्मचारी के तबादले और विभाग के आला अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए बल्लभगढ़ वन के विद्युत कर्मियों ने कामकाज ठप कर दिया और विभाग के आला अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिखाई दे रहा ये नजारा बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय का है, जहाँ विद्युत कर्मियों ने अपने ही विभाग के SDO पर मनमानी करने, राजनीतिक दबाव के चलते उनके एक साथी का तबादला कराने का आरोप लगाते हुए कामकाज ठप कर दिया है। वहीं एक कर्मचारी नेता सुनील खटाना की माने तो HSEB वर्कर्स यूनियन के बैनर तले की जा रही उनकी हड़ताल को बुधवार को चौथा दिन है और ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कि आरोपी SDO पीड़ित बिजली कर्मी पन्ना लाल से माफी नहीं मांगते। उनकी माने तो पीड़ित कर्मचारी SDO के कहने पर एक डिफाल्टर बिजली उपभोक्ता का कनेक्शन काटने गया, जहां डिफाल्टर बिजली उपभोक्ता के साथ बदसलूकी की गई और राजनीतिक दबाव डलवा कर पन्ना लाल का तबादला करवा दिया गया। इस घटना से विद्युत कर्मियों के आत्मसम्मान को तो ठेस पहुंची है। उन्होंने बताया कि यूनियन के दबाव के चलते पन्ना लाल को वापस तो बुला लिया गया, लेकिन SDO छुट्टी लेकर नदारद है। ये धरना प्रदर्शन हमारा लगभग आज तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है। आज लगभग हमारा एक कर्मचारी जिसका नाम पन्ना लाल है, वो KK कंक्रीट वाला एक यहाँ फर्म है जिसका लगभग उसका ओनर चिंटू जिसका लगभग 2.5 लाख रुपए का बिल बकाया था, उसका PDCO करने के लिए हमारा कर्मचारी गया तो हमारे कर्मचारी के साथ उसने बहुत ही अभद्र व्यवहार किया। ना कनेक्शन काटने दिया, बल्कि उसने अपने आप को BJP के प्रभारी अनिल जैन का रिश्तेदार बताते हुए आज सत्तारूढ़ दल में सत्ता का फायदा उठाते हुए हमारे कर्मचारी का तबादला करा दिया गया, जिसके कारण हमारे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। जब तक हमारे कर्मचारियों के मान और सम्मान को पहले की तरह बहाल ना किया जाए, अगर वो बहाल नहीं होता तो प्रत्येक कर्मचारी उसके कंक्रीट के मालिक की गिरफ्तारी की मांग करता है और हम प्रशासन से डिमांड रखते हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो 2.5 लाख रुपए बिल भर दिया उन्होंने? उसने अभी तक कोई बिल नहीं भरा है, उसने एक चेक दिया था जो चेक बाउंस हो गया उसका। वहीं इस हड़ताल के चलते स्थानीय बिजली उपभोक्ताओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक ऐसे ही बिजली उपभोक्ता ने बताया कि उन्हें आज 3 दिन हो गए हैं, लेकिन उनका बिजली का बिल अभी तक नहीं भरा गया। उनकी माने तो कर्मचारियों की मांगे भले ही जायज हों, लेकिन उपभोक्ताओं की सहूलियत का भी ध्यान किया जाना चाहिए। मैं बिजली का बिल जमा करने आया था, ना बिजली का बिल ठीक हो रहा है ना बिजली का बिल जमा हो रहा है। कितने दिन हो गए? सोमवार से आ रहे हैं जी, लगातार 3 दिन। तो अब इसमें इनसे पूछते हैं, अब अगर ठीक है किसी ने सरकारी काम में बाधा डाली है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे, इनकी भी मांग जायज है, पर पब्लिक का परेशान होना भी तो एक समस्या है। कितनी दिक्कतें आ रही हैं? 3 दिन हो गए जी चक्कर लगाते हुए, छुट्टी ले लेके आ रहे हैं, जमा होगा तभी काम बनेगा। बिल एक तो गलत आए हैं, ऊपर से जमा भी नहीं हो रहे, कामकाज ठप पड़ा है।